आज लीगल डिस्कशन पे हम आपको नथिया गली, अयूबिया, इस तरह की जगहों की सैर कराएंगे। बड़े अरसे से हमारा ये प्लान बन रहा था कि हम नथिया गली या अयूबिया या हम अपने ग्रुप के साथ कोई टूर अरेंज करें। तो तकरीबन 3 साल, कम व बेश 3 साल की मेहनत के बाद हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। Are you serious right now, bro? और हम निकल पड़े अपने ग्रुप के साथ नथिया गली, अयूबिया और इस तरह के टूर पे। तो आज हम आपको सैर करवाएंगे। ठीक है समरिया। इन टूर्स की तो रस्ते में बड़ी दिलचस्प बातें हुई। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को, खास तौर पे केपीके को, कितने खूबसूरत मनाजिर से नवाजा। अच्छा, रस्ते में बड़ी दिलचस्प बातें भी हुई और पाइपलाइन जो ट्रैक है डोंगा गली का, वहाँ पे भी हम गए। ठीक है। और वहाँ पे आपको दिखाएंगे काफ़ी जो उम्र रसीदा बुकला हजरात हैं वो भी हमारे साथ थे और वो ये प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे वो बिल्कुल थके नहीं हैं और वो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो आए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे सफ़र का आगाज कैसे हुआ। जी बार भाई, ये सफर बहुत अच्छे। बार भाई के लिए तालियां। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो बच्चा सुने, हमारा सफर हरिपुर से टुवर्ड्स नथिया गली स्टार्ट हो चुका है और हम आपको इस गाड़ी में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम खुशामदीद। जानिब से अड्डा इंतजामिया की जानिब से और मेरे मोहतरम जनाब तहरीन खान तरीक साहब की जानिब से और पीरे तरीकत पीरे शरीयत अगर आपकी तबीयत कहीं पे भी खराब हो तो उसके लिए हमने आपके लिए पेनाडॉल का इंतजाम कर रखा है। उसके साथ साथ अगर आपकी पतली हो, दिल खट्टा हो, दिल मेला हो तो वह थोड़ा मूड खराब कर दिया, उसके लिए भी आपने खान जी कहने के ऊपर टैबलेट्स का इंतजाम कर रखे हैं। तो ले रखे हैं। हम हर तरीके से इंशाल्लाह खुश रखने की भी कोशिश करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि आपका ये सफर वो पानी की बोतलें भी रखी हैं सूरज जाने आपका साथ आपके साथ रहे और पानी की बॉटल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जूस भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कोल्ड ड्रिंक्स भी यहाँ पर मौजूद है। तालियां तालियां, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और अगर तकलीफ चाहता है आप भी टोटको दे एंटरटेनमेंट के लिए। इसके साथ साथ आज की बहुत ही खसूसी डिश दूध दुलारी। ओह माय गॉड, वाओ। ओके, इस वक्त गाड़ी में आपके साथ इंशाल्लाह आप नौश फरमाएंगे। हिंदुस्तान लाले को हमेशा याद रखो। आहा बहुत चंगा ना मैं। इसके साथ और हमारे बहुत ही प्यारे बार का झूमर सैयद इजाज हुसैन शाह। इसके साथ ही आपके लाला, मेरे लाला, गुलिस्तान लाला, नारा हो जाए, नारा ये कर जिंदाबाद। वो भी यहाँ पर अच्छे अच्छे गानों से जनाब मोहरम आज के साथ चलने वाले नजारे में खूबसूरत बात किस गला नहीं बोल ये जड़ा सा मौका खास इन्होंने प्रोवाइड कीता जी, मुहैया कीता जी, असा सारे एक जगह इकट्ठा कीता है और इकट्ठा कहन के करके तसाए नाल कहन के टोरे ने। अरे कहना क्या चाहते हो? सर आपको प्यास लगी है? नहीं। प्यास लगी है? बहुत ज्यादा। अच्छा, या तबीयत खराब हुई है? नहीं नहीं, आप तो बहुत फिट फील कर रहे हैं। बिल्कुल फिट फील कर रहे हैं। फिर आपको दिखाएं कि काफी जो उम्र रसीदा बुकला हजरात हैं वो भी हमारे साथ थे और वो ये प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे वो बिल्कुल थके नहीं हैं और वो बिल्कुल फ्रेश हैं। फिट फील कर रहे हैं, बिल्कुल फिट फील कर रहे हैं। बिलाल भाई भी मेरे ख्याल में फिट ही फील कर रहे हैं। आप क्या फील कर रहे हैं जी? मैं तो जरा वॉमिटिंग फील कर रहा हूँ। हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है
ये कौन सा बोर्ड जी बाबर भाई? ये कौन सा बोर्ड है? ये कौन सा बोर्ड है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाउस में हम केपी हाउस में हमें एंट्री की इजाज़त नहीं मिली, तो अब हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाउस में हम आए हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है और देखें कितना पुरफजा मकाम है। और इस वक्त हमारे ये बाहर के सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। आलमजेब साहब टॉफ़ी खा के इंजॉय कर रहे हैं, शाह साहब हाथ बांध के इंजॉय कर रहे हैं, और ताहिर अमीन साहब हैरान और परेशान है कि ये हम कहाँ आ गए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बंद थी तो एक छोटा सा वो ढाबा बोलते हैं उसको, ठीक है वो ढाबा, उसके बाहर से वो पर्दा उठा के मैं उधर पैसे रख के ये एक ही दाना पड़ा हुआ था मैं ले आया उधर से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, यानी सही पे और मुसलमान था ना वो। अच्छा मतलब जिन ने भी नुकसान नहीं किया किसी का, किया किसी का, ठीक है। अभी आपने जो वाक्य सुना है ये बिल्कुल आपने अपने आंखों से देखा, बिल्कुल जिन आया है बंदे पर उसने फिर आजाद कश्मीर या मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास। आखिर में हाल उसका ये होता है, छोटा सा घर होता है जिसमें वो जिन लोगों को चिराग मिलता है, नहीं मानता, तो उसे पहला काम कहते हैं जाओ कमेटी के टूटी से नल ये बाल्टी भर के लाओ, टूटी से नल ये बाल्टी भर के लाओ। जिन कहते हैं मैं जिन हूँ तो मुझसे को बड़ा काम, लोग कहता है वो कमेटी के नलके से पानी लाना को आसान काम है, इतनी बड़ी लाइन लगी होती है, दिक्कत है कि जाके बाल्टी भर के लाना होता ले जाओ फिर इसी तरह कोई कहता है कि जाओ जाके अब सब्जी लेके आओ, फिर अगला सीन दिखाते हैं कि वो माँ चूल्हे के आगे बैठी हुई है, वो बेटे को कहती है अब ये गायब नहीं होता, चिराग नहीं रगड़ना पड़ता इधर ही बैठा रहता है, ऐसे कहता हूँ जाओ, कहती हूँ जाओ ये उठा के ले आओ, ये बर्तन पकड़ा दो, ये कर दो, पानी ले आओ, सब्जी ले आओ, तो अब ये जिन जो है ना हो अब ये नौकर खत्म बात हो जाएगी चश्मा। अभी ये नमाज ज़ोर का वक्त हो रहा है बाबर भाई, अभी हम नमाज के बाद क्या करने लगे हैं बताएं। नमाज ज़ोर का वक्त हो जाता है, अभी यहाँ पर नमाज ज़ोर अदा की जाएगी, ठीक है, फिर अभी हम जाएंगे नीचे, ठीक है, जरा वॉक करते हैं, बाजार जाते हैं, सही है, घूमते फिरते हैं, थोड़ी सी आउटिंग करके तो फिर वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है, या फिर आगे हम चले जाएंगे ट्रैक पे, वहाँ पे हम जाके जो है कि ट्रैक पे हम खाना खाने से पहले जाएंगे या बाद में खा के जाएंगे, खाना खा के ट्रैक जिस तरह ये कंसेंसस डेवलप करेंगे, ये कंसेंसस डेवलप करके कि जनाब घूम फिर के अगर इनको भूख लगती है तो फिर खाना यहीं पे खा लेंगे, बिल्कुल, अगर नहीं लगती कहते हैं बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आगे चले। मेरे ख्याल में भूख तो सभी को लगी हुई है इस वक्त, सबको देख के लग अगर हमें पता होता पहले हम इनसे पूछते हैं, क्या पता है कि भूजों वाली एसेंस में भी पाई जाती है। चलें जी नमाज का वक्त, अब जिन हजरात ने नमाज अदा करनी है नमाज कर, माशाल्लाह जी के कर रहे हो पैर चाय तैयार हो गई है और अब हम रिव्यूज लेते हैं। मलिक साहब चाय का टेस्ट कैसा है? अच्छा अच्छा टेस्ट है, खैर आप भी जिस जिस जुबान में बात करेंगे समझ आ जाएगी, बड़ी बेहतरीन चाय है जी। अच्छा मीठा जायका आ रहा है जी, अच्छा बाबर साहब की मोहब्बत भी शामिल है। हाँ अरे कहना क्या चाहते हो? बाबर भाई ने अपनी मोहब्बत जो है वो तो कूट कूट के दिए, नहीं चले बाकी से भी लेते हैं। बाबर भाई आपकी चाय के रिव्यूज अभी बड़े बड़े अच्छे आ रहे हैं, अभी हम ताहिर साहब से पूछते हैं। जरा जी बाबर साहब मैं समझता हूँ ज्यादा चाय पकाते रहे। अच्छा क्या साहब बहुत जबरदस्त A1 नहीं ये रवायती कमेंट नहीं करना आपने, बिल्कुल दिल से। क्यों जी मुख्तियार भाई चाय कैसी है? सर इसमें बाबर भाई का कुक माल नहीं। हाँ लाल खान ने बढ़ाई चाय, ये तो वजाती बयान आ गया जी।
बिलाल भाई से पूछते हैं, वो असल बात हमें बताएंगे। एक्चुअली इसमें सब बंदों की शराकत थी, सबके हाथ लगे हुए थे, इसलिए इसमें जो है ना चाय से ज्यादा इसमें खुलूस आया। खुलूस, खुलूस से भरपूर चाय, खुलूस से भरपूर चाय। लेकिन सारे माशाल्लाह महसूस हो रहे हैं। बैठे जी, सारे बैठे हैं, सारे बैठे हैं जी बाजार में। खड़े की कमी की जगह है होगी है दस्तरखान मोर मोटर वे लंदे हो रही है। थोड़ा सा किथे बैठना है? खाना खाते हैं ना, पहले खाना खाएं। खाना खाते हैं फिर इंशाल्लाह आगे। आम खाए हैं ऊपर, खाना क्या खाएंगे? मेरे ख्याल में आम से भूख लगी है। भूख लगी अभी टाइचर ऐसा करते हैं ना, हल्का से ग्राउंड लेते हैं। हां उसके बाद वैसे भी टाइम भी हो जाएगा, डेढ़ हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, 2 बजे तक, 2:15 बजे तक खाना खा लेंगे। ठीक है, चलें यहाँ से तो निकले ना, नीचे कहीं पार्क करते हैं, फिर घूमते फिरते हैं, फिर खाना खा लेंगे। चलें जी, शिराज साहब आ जाएं जी। रोटी लाओ ना भाई। अभी हम ये डोंगा गली ट्रैक पे हम सब जा रहे हैं। क्या सब थोड़ा पीछे हो जाओ जी, ये डोंगा गली ट्रैक है और सब लोगों के आप अजम का जरा अंदाजा लगाएं। ये अंदाजा लगाएं, कोशिश में है कि हम टारगेट पर पहुंच जाएं। और हमारे वो हमारे पीर है मलिक, मलिक सफर रहमान साहब, मलिक सफर रहमान साहब ने भटकड़ाई को किराई है और मलिक सफर रहमान साहब और यहाँ पे सिर्फ मलिक सफर रहमान साहब ही हैं बस। आप इस ट्रैक के हवाले से कोई खास बात करना चाहें? नहीं, ये इंतहाई जबरदस्त किस्म का ट्रैक है और यहाँ पर बहुत दिल से नहीं कह रहे आप? मैं दिल से कह रहा हूँ और इंतहाई, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे सारे दोस्त साथ हैं। हाँ हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है और बड़े जॉयफुल मूड में हैं और इंशाल्लाह इसको अल्लाह ताला इसी तरह कायम और दायम रखे। जी अलमजीब साहब, आप बताएं ये डोंगा गली ट्रैक को आप एंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, ये बहुत नेचुरल है और बहुत खूबसूरत ट्रैक है। और मैं जो है ना इस चीजों को जो बाजारों मजारों वाले काम है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम पीर साहब से पूछते हैं, पीरो आप कुछ बताएंगे? जबरदस्त, नहीं कुछ और भी बताए ना, जबरदस्त जबरदस्त। कुछ बता सकें क्योंकि आज पता चला कि पीर साहब का जो कलर है ना ये आर्टिफिशियल है। क्यों वो उतर के आपका क्या ख्याल है, सुर्खी लगाई होती है? और मलिक साहब आप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए और ये दूध दुलारी जो है वो अभी सर्व कीजिए इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये देख लीजिए, इस कंडीशन में हमारे सरपरस्ते आला थंबे के साथ सारा लिए हुए खड़े हैं और अब वो चाको चो बंद हो गए हैं। ये इस वक्त हम दूध दुलारी से सबकी तवाजो हो रही है। पुलिसान साहब से हम पूछते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सर ये कैसे बनाया आपने? ये लजीजा वालों का आइटम है, लजीजा वालों का तैयार मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लजीजा वालों का आइटम है, डब्बे के ऊपर रेसिपी लिखी हुई होती है। अच्छा, उसी को फॉलो करके आपने बनाया? माए मैंने बेहतर समझती है कि हालांकि आप पे इल्जाम ये है कि ये आपने बनाया? नहीं नहीं, मैं तर्दीद करते हैं आप, मैं घर से बनवा के लाया। बहुत अच्छी जी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और ये है वो बाबर भाई तारीखी टनल। जी जी, हाँ जी, जिससे अभी हम गुजर रहे हैं और इसका नाम है मोटो टनल। मोटो टनल, मोटो टनल, बहुत अच्छी। और इसको हम पूरा कैप्चराइज करेंगे जी। और ये हमारे टूर की जो इंतहा हो रही है ना जी, ये बड़ी शानदार है। टनल से बिल्कुल बाहर आ गए और बहुत ही इंजॉयबल इस दफ़ा हमारा ये टूर रहा। अब हम वन बाय वन सबसे रिव्यूज़ लेते हैं, बहुत रिव्यूज़ लेंगे आपसे।
सर 4 किलोमीटर का ट्रैक आपने पार किया है, 4 किलोमीटर क्या कहेंगे? ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू मिस्टर, थैंक यू, आपकी एफर्ट्स की ओर हमने कर। शाह साहब आप बहुत डर रहे थे शुरू में। मैं शुरू में डर रहा था, लेकिन जब इन्हें पता चला कि मैंने तो इससे भी बड़ी ट्रैक, 4 किलोमीटर और होता तो फिर भी शायद अब। क्या बात, कैसा लगा मेरा मजाक? शाह साहब ये भी बताएं आपकी पिनियां कैसी हैं, शाह साहब ये भी बताएं आपकी पिनियां कैसी हैं। मजा आया, ठीक है। 4 किलोमीटर मलिक साहब, 4 किलोमीटर भूखे पेट ना जी, क्या कह रहे हैं? भूखे पेट आपने कुछ नहीं खाया था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आपने ज्यादा की, 4 किलोमीटर का रास्ता आपने तय किया, 4 किलोमीटर रास्ता तय किया है और टांगे अभी साथ नहीं दे रही है। इंजॉय तो किया होगा ना? बहुत ज्यादा एंजॉय किया, जबरदस्त रास्ता है, मौसम। 4 किलोमीटर का रास्ता नहीं, गपशप नहीं, आई थिंक 5 किलोमीटर है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, जबरदस्त। आप तो खैर मेरे ख्याल में आते रहे इससे पहले भी, बिल्कुल पहले भी आऊं, लेकिन टनल का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू। इस तरह हमारा ये आज का टूर इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, अब वापसी की तरफ रखते सफर बांधने लगे हैं। पे किसी तरह लग गए और बाबर भाई गाड़ी है और पहले उतर गई है, चले बैठ सारा को पूछा है तो सब को जरा। बाबर भाई इज लुकिंग क्वाइट फ्रेश, इज इट ट्रू? आई नाउ आई एम फीलिंग टाइटनेस, यू आर फीलिंग टाइटनेस आफ्टर चलिंग दिस टकी। सारा को टकी चले गए।